हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग रही है, फर्दर क्या प्राइस पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। आप लोग नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन आता है, अपडेट मिलती रहे। यहाँ मैं हमेशा रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। कल हमने देखा था कुछ चार्ट पैटर्न को, जिसमें हमने टाटा पावर को देखा, LIC को देखा था और GMR इंफ्रा को देखा। फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे 9 से 10 बजे के आसपास तक सारी कंडीशन पॉजिटिव साइड में रही, उसके बाद में LIC ने लगभग 4% से ज़्यादा पे क्लोज किया है। अब इन सभी कंडीशंस के बीच में अगर आप रेगुलर बेसिस अपडेट चाह रहे हैं कमोडिटी और सिल्वर सभी के बीच में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी 6 बजे US का जो डाटा आने वाला था, US रिटेल सेल्स का डाटा जो 1% का फॉरकास्ट था, उसमें 0% में जो लोगों प्रेडिक्शन थी वो भी लगभग उसी के आसपास आती हुई देखने को मिली। तो रिटेल सेल्स के डाटा में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है कि जिसके कारण से कुछ प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले कमोडिटी मार्केट में। अब यहाँ फ्रेंड देखते हैं, जब भी ये डेटा कुछ आता है तो उस समय पुलबैक होता है। जब यहाँ पे पुलबैक हुआ तो उस समय कमोडिटी में थोड़ा गिरावट हमें देखने को मिली, बट स्टिल अभी इसके लिए 104.5 से लेके 104.657 ये लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ से थोड़ा नेगेटिव इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है और अभी इसके लिए 105.6 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट, 104.6 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे इसके लिए एजिटी सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये दोबारा से इसके आसपास आता है तो डेफिनेटली सिल्वर आज का हाई भी लगा सकता है, तो ये आपके लिए अलर्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट अगर आप इसमें जो गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड के लिए 2449-50 का जो रेंज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास मल्टीपल टाइम हिट किया है और एक पुलबैक भी आया था जो न्यूज़ के आने के बाद में आपको देखने को मिला। अब यहाँ से ये दोबारा से रिकवर कर रहा है, हायर साइड जाएगा, फिर भी इसके लिए 2449 या फिर 50 के ऊपर क्लोजिंग पॉइंट अभी से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ही आपको फर्दर डिसाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट मूव के लिए। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखते हैं जो कॉमेक्स को हम देख रहे हैं, कॉमेक्स भी एक अच्छे लेवल में है, साथ में MCX उससे भी ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं सपोर्ट लेवल जो इसके लिए बना हुआ था 73,500-74,000 का लेवल अभी इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। पूरे दिन का ट्रेडिंग इसी के अराउंड में हुआ है। अब इसके लिए जो अप्रोच बनती हुई देखने को मिले 73,700 के आसपास तक की अप्रोच बनती हुई देखने को मिल रही है, वो आज से कल में आपको यहाँ पे इजी वे से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर इसके बाद में हम अलग कंडीशन देखते हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर सिल्वर को हम देखने की कोशिश करते हैं तो सिल्वर ने एक सपोर्ट बनाया है। अगर सपोर्ट लेवल की आप बात कर रहे हैं सिल्वर कॉमेक्स को, तो जो रेंज का फॉर्मेशन है उसी के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है और नीचे सपोर्ट लेवल 30.75 का जो लेवल है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इसको पुल बैक लगाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से इस रेंज में स्टक करेगा। जो ये रेंज इसके लिए है अभी आज फिलहाल ब्रेक होता हुआ नहीं देखने को, लेकिन दोबारा से इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग पॉसिबिलिटी जो 60-75% बनती हुई देखने को मिल रही, इस रेंज में क्लोजिंग इसकी होनी चाहिए। 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हैं तो कंडीशन यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेवल के आसपास इसने टच किया है और टच करने के बाद में दोबारा से रिकवर कर रहा है। मैंने आपको फ्रेश बाइंग के लिए इस वे अलर्ट किया था, क्योंकि ये ज़बरदस्त गिरावट का टाइम है, जब तक ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता आपको फ्रेश बाइंग के लिए बचना चाहिए। नीचे सपोर्ट पे आता छोटे पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, तो इस वजह से अभी ये दोबारा से रेंज में स्टक करने की कोशिश कर गया। सिल्वर मिनी की अगर बात कर लेते हैं, सिल्वर मिनी एज़ कम्पेयर टू सिल्वर कॉमेक्स की कंपेरिजन में सिल्वर मिनी अच्छा मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए जो रेंज है 92,500-92,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास इसने टच किया है। और पूरे दिन की अगर क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो प्रीवियस डे का जो इसने लो का फॉर्मेशन किया था अप्रॉक्स उसको हिट किया है और दोबारा से यहाँ से एक अच्छा पुलबैक 500 पॉइंट से ज़्यादा का कर चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट फ्रेंड्स के ऊपर क्लोजिंग रहेगी 93,000 के ऊपर, क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर एक क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ पे आपको एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा। स्टिल आपको 6 PM पे जो आपको ट्रेडिंग पॉइंट अभी से देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अच्छी मूवमेंट बनाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो ईजी वे से आपको पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। 4 आवर सेटअप में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये ज़बरदस्त जो रिकवरी की है, कुछ लोगों ने ये पॉइंट कैप्चर किया होगा, कुछ लोग भी स्टिल वेट एंड वॉच कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अब इसकी क्लोजिंग फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। फ्रेश बाइंग के लिए भी यहाँ पे आपको बचना, अगर आपने ट्रेड में बने हुए हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर 93,000 के ऊपर क्लोज करता है तो नो डाउट आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट स्टिल अगर ये 93,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता तो दोबारा से रेंज का फॉर्मेशन रहेगा और ये रेंज आपको रोकने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब 4 आवर सेटअप के बाद में अब माइक्रो को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो माइक्रो का जो लेवल इसने बना रखा है, उन सभी लेवल्स को अगर आप वॉच करते हैं तो कंटिन्यू 12 से जब से इसमें एंट्री हुई है
ये जो रेंज हायर साइड और लोअर साइड का बना रखा है इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए 93,000 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और वो भी लगभग 200 पॉइंट 150 पॉइंट से ऊपर क्लोज करता है, ये रेंज को निकालेगा तभी हम इसमें प्लस साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो इसको हायर साइड ले जा सकती है। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे देखते हो नीचे अगर यहाँ कहीं छोटी कैंडल बनाता है तो आपको यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है, कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखता है तो यहाँ पे 200 से 400 पॉइंट का इजी वे से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पे आपको एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो उतना आप कैप्चर कर सकते हैं, बट स्टिल आपके लिए इसके लिए वॉच करना पड़ेगा कहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर रहा है, किस तरह से रेंज का फॉर्मेशन चल रहा है। तो ये दोबारा से रेंज में फंसा हुआ, जब तक रेंज ब्रेकआउट करके क्लोजिंग नहीं करता कॉन्फिडेंस के साथ में बाइंग या फिर सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अब यहाँ दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो 92,500-600 के पास मैक्सिमम टाइम इसने सपोर्ट लिया है और 92,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब से इसके ऊपर क्लोज किया है 92,000 के नीचे एक क्लोजिंग पॉइंट अभी से नहीं गया है। इवन आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 92,500 के ऊपर ही क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है। हाई साइड की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो 93,600-700, तो ये लगभग 1000 पॉइंट का जो रेंज है 4 आवर सेटअप में जो आप वॉच कर रहे हैं, आप यहाँ स्मॉल क्वांटिटीज के साथ में ट्राई कर सकते हैं, बट स्टिल जब तक ये क्लोजिंग पॉइंट अभी से नहीं जाता है तब तक थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेटाए हैं और अदर कंडीशन है उस लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हुए हैं, थोड़ा लोगों को ऐसा मानना है कि हो सकता है रेट चेंज हो जाए, बट एज पर प्राइस पैटर्न अभी हम यहाँ पे जो रेंज का फॉर्मेशन है उसको हम वॉच करेंगे और फर्दर देखेंगे कि यहाँ से क्लोजिंग पॉइंट अभी से हो जाता है तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल ट्रेड के लिए नहीं वॉच करते हैं, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपने लेवल्स को भी देखना पड़ता है, तभी यहाँ पे आपको अच्छी सेंटीमेंट्स और अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डेली में देखते हैं तो डेली में अगर आप रेगुलर वे से प्राइस पैटर्न को वॉच कर रहे हैं तो ये जो 2-3 कैंडल का फॉर्मेशन था अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल एक नेगेटिव टाइप की कैंडल बनी थी, और ओवरऑल सेकंड पॉइंट आप देखते हैं तो ये रेंज का फॉर्मेशन है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ आज के लिए थोड़ा अलर्ट लेवल है, नीचे सपोर्ट के पास अगर आप थोड़ा रिस्की हैं तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी, बट अगर आप स्टिल कंसर्न है अभी आप सेफ साइड प्ले करना चाह रहे हैं, सेफ साइड हमेशा रहना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस रेंज को एक कैसे क्लोज करता है। तो ये बहुत मेजर है और बहुत अलर्ट लेवल है ये इस रेंज का क्लोजिंग करना। हायर साइड इसको जाना है तो डेफिनेटली 93,200 के ऊपर क्लोज करना चाहिए और इसमें एक पुलबैक हम देख सकते हैं, बट स्टिल अगर इसको नीचे निकलना यहाँ से बनता है तो ये जो कैंडल है इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आज की बाइंग और सेलिंग की जो ओवरऑल कंडीशन आप देखते हो तो 2 दिन का अच्छी बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, आज मार्केट ने थोड़ा रिकवर किया है, कुछ लोगों ने यहाँ से 200 से 400 पॉइंट का गेन किया होगा, बट स्टिल बड़े पोजीशन के लिए बचेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता। कंफर्मेशन के साथ में ट्रेडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो मार्केट है, आज की जो ट्रेडिंग है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है 93,000 सबसे इंपॉर्टेंट रोड रहेगा, उसके अराउंड ही फर्दर डिसाइड करने की आपको कोशिश करना पड़ेगा। थैंक यू।